बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। किरण शफीक ने एक बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा है। कहती हैं, सर हमें आपके मशवरे की ज़रूरत है। हम 7 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। मेरी अम्मी की वफ़ात हो चुकी है। अब हम सब बहनें मिलकर अपने बाबा जानी की शादी करना चाहती हैं, लेकिन बाबा जानी हैं कि मान के नहीं दे रहे। हम उन्हें कैसे मनाएं? किरण, ये सवाल नहीं है, एक बारूदी सुरंग है। अगर आपकी ख्वाहिश ने इसका वो लॉक खोल दिया तो आप सब लोग बिल्कुल भग से उड़ जाओगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आप इस ख्वाहिश से बाज ना आए तो सिर्फ आप नहीं, आपकी सारी बहनें भी रुल जाएंगी। दो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। जो तजर्बे लोगों ने किए हों उनसे सीखना चाहिए, जो गलतियाँ दूसरों ने की हों उनसे भी सबक लेना चाहिए। जितने घर हमने देखे हैं कि जहाँ बहनें ज़्यादा हों और भाई कम हो, तो दो काम करने चाहिए। भाई कम हो, एक आध हो, तो कभी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल निस्टेस करके कह रहा हूँ, इसलिए कि द मोमेंट आप भाई की शादी कर दोगे तो उसके बाद वो गैर हो जाएगा, वो उस नई लड़की का। आप लाओगे इसको भाभी बना के, पर कुछ दिनों बाद वो श्रीका बन जाएगा। अब तरजीह बदल जाएगी, फोकस बदल जाएगा, मोहब्बत बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। और पहले आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ज़िम्मेदारी थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अव्वल बीवी और होने वाले बच्चे होंगे, तो आप एक बोझ हो गए, नागवार बोझ। और बोझ को आमतौर पर लोग सर से उतारा करते हैं। ऐसे सब घरों में बाद में फिर बेटियां यानी बहनें रोती हैं, कुरलाती हैं। अब आपके केस में आप माशाल्लाह 6-7 बहनें हो, पर आप ऐसी हमाकत करोगे कि अब्बा की शादी क्यों करना चाहते हैं? यानी अल्लाह माफ़ करे, या तो घर में कोई मजदूर हो, घर में हो कोई ना, तो औरत लानी है कि वो घर का काम करे, घर को संभाले। आपके घर में जो सबसे आसान नुस्खा अमल करेगा वो ये होगा कि जो घर में बहन सबसे बड़ी है या उसको हेड बना दे, या जो आपकी सारी बहनों में से ज़्यादा अक्लमंद है, दानिशमंद है, दानिशवर है, घर का चार्ज उसके पास आ जाए। और उसके बाद आने वाले बरसों में घर में सिर्फ एक प्लानिंग होनी चाहिए। बहनों की पढ़ाई की प्लानिंग में नहीं कह रहा, आने वाले बरसों में एक एक साल में दो दो बहनों की शादियां होनी चाहिए। ये 4-5 साल ऐसे होंगे कि जिसमें आपको हर सूरत में अपनी बहनों को उनके घरों में वालिद की सेहत के साथ, उनकी हयात में, उनकी एक्टिव ज़िंदगी में ही ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। उसके बाद जब सब बहनें अपने अपने घरों में चली जाएं और पीछे कोई भी ना बचे, तो फिर वालिद साहब से पूछिएगा कि अब आपकी शादी कर दें या आप किसी बहन के साथ रहना चाहोगे। तो अगर वो अपने का अपना घर है, उनकी अपनी ज़मीन है, वो वहीं रहना चाहते हैं, तो अब अगर आप उनको जो माँ ला के दोगे वो आपका मायका बनेगा। क्योंकि तब और 5 सालों के बाद वाले साहब उसके इश्क में मुब्तला नहीं होंगे, उसके जिस्म के इश्क में मुब्तला नहीं होंगे, उसके साथ उनकी जो अलाइनमेंट है, उनकी पूरी प्रेफरेंसेस, तरजीहात नहीं बदल देंगी। अभी ज़िम्मेदारी ये बेटियों की दुनिया में कोई नहीं उठाएगा सिवाय इनके बाप के। वो औरत आके इस ज़िम्मेदारी को क्यों उठाएगी? यानी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ये भी एक बोझ होगा, जो कि अपने मियाँ को राज़ी करने के लिए वो इससे उतारने की कोशिश करेगी। जो दूसरा बड़ा अमली प्रॉब्लम होता है वो ये कि आप 7 लड़कियाँ हो, लड़कियाँ हीरे की हों, मोती की हों या सोने की हों, थुड़दिली होती हैं, इनके दिल छोटे होते हैं। ये अपने अल्लाह और रसूल से निस्बतन उस तौर पे जुड़ के दूसरों को स्पेस नहीं देती कि दरगुजर करें। अब क्या होगा कि आप में से एक आध की अम्मा से अच्छी बन जाएगी, 4-5 का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, पर्सनैलिटी क्लैश होगा, उन्हें उसका मेकअप बुरा लगेगा, उसके कपड़े बुरे लगेंगे, एक को खाना बुरा लगेगा, उसने किसी को डांट दिया तो अल्लाह माफ़ करे, उस घर में गदर मच जाएगा। तो जहाँ सुलह है, सफाई है, सुकून है, और अभी बाइंडिंग है, 7 बहनें और एक अब्बा जी, 8 लोग हैं, शाम को मिल बैठ के खाएं, मिल बैठ के प्लान करें, जो बच्ची थोड़ी कमज़ोर है उसके लिए उस तौर पर डिज़ाइन करें, कुछ बच्चियों की ग्रूमिंग होने वाली होती है उनकी ग्रूमिंग करें, इन सब को दीनी तालीम दीजिए। दीनी तालीम चाहे डिग्रियाँ ना दिलवाइए, इनको कहीं ना कहीं किसी अच्छे उस्ताद से कुरान पाक पढ़वाइए, इन्हें हदीस पढ़वाइए, ताकि जब अपने घरों में जाएं तो एक बैलेंस्ड और बेहतर और मुकम्मल
शख्सियत के साथ जाएं कि जो सिर्फ लड़की होने को कैश ना करवाएं, बल्कि एक आकिल, बालिग, समझदार, दानिशमंद, दानिश्वर, मुतवाजन, ऐसे घरों से आई हुई बेटियां कि जहां बहनें ज़्यादा हों वहाँ उन्हें को मोहब्बत की कमी का एहसास भी नहीं होता। किसी एक बहन से नहीं बनेगी तो दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, हाँ ये जो बड़ी बहन आपकी होगी जो हेड बने उसको ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि किसी बहन के लिए भी मोहब्बत की कमी ना हो। जो उनमें सबसे कमज़ोर हो उसको ज़्यादा तवज्जो दे, चाहे वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, चाहे वो शक्ल में कमज़ोर हो, चाहे वो अकल में कमज़ोर हो। इसलिए कि इकट्ठे ख़ानदान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम कमज़ोरों को सहारा दे देते हैं, उनके लिए आसरा बन जाते हैं, और इनमें से जो बड़ी होगी शायद किसी एक बड़ी को कुर्बानी देनी पड़े अपनी ज़िंदगी के 3-4 बरसों की, चूँकि वो घर को संभाल लेगी तो इन सारी का जो जहेज बनना है छोटी बच्चियां नहीं बना सकती, अब्बा भी नहीं बना सकते, उसी को बनाना होगा, लोगों से डीलिंग, रिश्ते देखने के लिए आना जाना, तो एक को तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आप एक के लिए घर दामाद ढूंढ लें, कोई ऐसा नेक सीरत और अच्छी सीरत वाला आदमी या लड़का जो उस घर में हो, आपके भाई बन के रहे, और लेकिन ये रिस्की है, इसकी मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जब बहुत सारी बच्चियाँ रुखसत हो जाएं तो पीछे फिर इस तरह का एक अल्टरनेटिव अरेंज किया जा सकता है, लेकिन अब्बा की शादी आखिरी ऑप्शन है, रुल जाओगे इस ऑप्शन पे गए, यानी उल्टा भी अगर हो जाए कि अब्बा कहें कि मेरी कुछ करो और ये घर नहीं चल रहा, तो घर को संभालने की फिक्र करनी है, अब्बा को इस कुएं में फेंकने की कोशिश मत कीजिए जिसमें से बेचारे वो कोशिश करके निकल ना सकें, तंग आप सारे हो गए। इस सवाल में एक अधूरापन है, वो ये कि आपने अपनी बहनों की उम्र नहीं लिखी। अगर आप उनकी मुझे उम्रें बता देते तो शायद उनके लिए प्लान करना और आसान हो जाता, क्योंकि इन सब को पंजाबी में कहते हैं फ़र्ज़ों अदा होना है। तो ब्राह करम ये याद रखिएगा कि अब्बा जी और जो बड़ी दो एक बहनें हैं आप सबको मिल के इन सब के फ़र्ज से अदा होना है, यानी फ़र्ज़ों अदा होना है। उसके बाद आप नफल पढ़ते रहिए, सुन्नतें पढ़ते रहिए, फिर जो मर्ज़ी कीजिएगा उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन डेंजर जोन में मत चले जाइएगा। जितने घरों में इस तरह का तजर्बा हुआ, लोग आमतौर पर अपने भाइयों पर तजर्बे करते हैं अब्बा के गुजरने के बाद कि चलें भाई है और इसकी कर देते हैं तो घर हमारा संभल जाएगा, नहीं संभलता, पूरी ओरिएंटेशन बदल जाती है। वो जो नई आने वाली होती है वो मिट्टी की भी हो तो भी अल्लाह माफ़ करे, जो स्पेस उसको चाहिए वो उसी स्पेस में से उसने लेनी है, उसको मोहब्बत भी चाहिए तो जो भी चाहिए तो वहीं से लेगी ना, तो जो फिर आपका स्पेस कम होगा, आपकी मोहब्बत कम होगी, आपका सरमाया कम होगा, आपके लिए जितनी चीज़ें आनी थी अब वो बढ़ जाएंगी। तो किरण बेबी भी इस बात को याद रखिएगा कि पहले बहनों को निपटाना है, उसके बाद कुछ और करना है। अब्बा की शादी आखिरी ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन नहीं है। और अगर अब्बा जी मेरी बात सुन रहे हों तो ऐ भले अब्बा जी, बेटियों की हमाकत का हिस्सा मत बनिएगा। ये अगर आपको, क्योंकि बच्चियाँ बेसिकली बेवकूफ़ होती हैं, अहमक होती हैं, ये चीज़ों को उस पूरे बड़े कैनवस में देख ही नहीं पाती, ना उसके थ्रेट्स देख पाती हैं, ना उसके जो ऑब्लिगेशन हैं, जा उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस आनी हैं, जितने चैलेंजेस आने हैं, वो भी नहीं देख पाती। तो इसलिए लाड लाड में इन्हें लगता है कि एक एक्टिविटी हो जाएगी, कपड़े पहन लेंगे, जेवर पहन लेंगे और मेहंदी होगी और ये होगा, हल्ला गुल्ला होगा। उस हल्ला गुल्ला के बाद क्या होना है, ये जब टेंट उजड़ते हैं ना तो उसके बाद जो फिर वहाँ अफसोस वाला मामला होता है और खालीपन होता है वो इनकी ज़िंदगियों में जाएगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ए अच्छी बच्ची हो, समझदार बनो, और जो मैंने कहा है इस पे पूरे दिल से इसको मान भी लो और अमल भी कर लो। आप सब सलामत रहो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।